फॉर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर नवंबर 2021 क्वेश्चन था, ड्रॉ एन इनवोल्यूट ऑफ सर्कल ये सवाल जनरली आता नहीं है, यानी इन्वॉल्यूट जनरली आता नहीं है, 12 साल बाद आया था। इन्वॉल्यूट ऑफ सर्कल ऑफ चेंज नहीं करता हूँ, वही रखता हूँ, शीट में बैठ रहा है। 40 मिलीमीटर डायामीटर फुल स्टॉप, जैसा है वैसे लिखता हूँ मैं सवाल। ऑल्सो ड्रा ड्रा ए नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द पॉइंट हंड्रेड मिलीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये 15 मार्क का सवाल था। यानी आर में दिया गया था इसके किसने ड्रा किया इन्वॉल्यूट आईटीआई में? नहीं नहीं सूरज नहीं, डायमीटर 20 एंड डायमीटर 40 बोल रहा है, रेडियस कितना होगा? ओके, ये होगा शीट नंबर
किसी ने पूछा नहीं इन्वोल्यूट का मतलब क्या होता है, क्यों बना रहे हैं, बस बनाए जा रहे हैं। इन्वोल्यूट का मतलब होता है ये क्यों बनाते हैं सर्कल, ये कर्व क्यों बनाते हैं। स्प्रिंग वाइंडिंग देखा, स्प्रिंग देखा है पुराने जमाने के वो खिलौनों में वगैरह, स्प्रिंग वाइंडिंग होता है, चाबी भरते थे, चलता था खिलौने, घड़िया वगैरह भी। जब आप उसको अनवाइंड करते हैं तो सर्कुलर दिखता क्या वो, ऐसे जाता रहता, जैसे जैसे आप खोलेंगे अनवाइंड हो गया ये, फिर वाइंड करेंगे तो नजदीक आएगा वो। फिर मैं अनवाइंड कर रहा हूं उसको, छोड़ दिया, तो इन्वोल्यूट इज नथिंग बट वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग ऑफ ए थ्रेड स्ट्रिंग और स्प्रिंग। फिर एक बार बोलता हूं, इन्वोल्यूट किसी एक सर्कुलर सरफेस को लेकर के वहां दबा के आप उसको वाइंडिंग या अनवाइंडिंग करते समय जो पाथ बनता है, रास्ता बनता है उसका, उस थ्रेड का, स्ट्रिंग का, स्प्रिंग का, उसे हम कहते हैं इन्वोल्यूट। इन्वोल्यूट इज ए कर्व formed due to winding and unwinding of a thread, string, spring. ऐसा तो सर्कल हमको डाया दिया गया है, उसका हमने इन्वोल्यूट बनाना है, ऐसा कुछ तो भी दिखेगा, उसे हम इन्वोल्यूट कहते हैं। चलिए इस सर्कल के 12 भाग बनाए, हाँ ये पूरी शीट में है। हाँ जी भैया थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, बताता हूँ, डबल जाएगा करो, 120 लगभग, इधर लीजिए, यहाँ पे लीजिए, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, उठा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। सेंटर लिया 40 एम एम डाया, बस ओरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो सर्कल है या फिर ये सर्कुलर जो भी ऑब्जेक्ट मिला है, ये वायर का या धागे का, कोई नायलन का, स्प्रिंग का, कुछ भी आप कल्पना कर लीजिए, इसको मैं सीधा करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे फिक्स किया हूँ और इसको सीधा करके ऐसा फैलाता हूँ यहाँ तक, स्ट्रेट, कितना दूर जाएगा, एक्सेलेंट, उसका जितना सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, वहां तक दूर जाएगा, ठीक है। ये
मैं फिर एक बार बोलता हूँ, यहाँ से मैंने तोड़ दिया और यही रखा उसको पॉइंट को, ऐसा घुमाते ले गया और स्ट्रेट किए, यहाँ तक ले गया, कितना दूर जाएगा कैलकुलेट कीजिए, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कीजिए, इस पॉइंट से उतना लेंथ लीजिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कितना मिला भैया, 2πIR इज इक्वल टू 2 × π × 20 इज इक्वल टू 40 × π, हाँ 6, तो हम क्या करेंगे 126 ले लेंगे, 5.4 मिलीमीटर, तो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मिल गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी सर्कमफेरेंस मिल गया, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेंगे इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, उससे पहले इसको हम 12 भागों में डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे इससे पहले बता चुका हूँ ना, फिर भी एक बार बताता हूँ, सेट कर लिया, देखिए ऐसे रखा, ये हो गया 30 डिग्री, उल्टा किया, हिल गया ना, नाम देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसको नाम मत दीजिए, 12 छोड़ दीजिए, आ जाओ भैया, भैया हाँ अच्छा लेंथ ले लिए 40 में कितना लिया, प्रोपोर्शनल 31
31 इंटू 3.14, मारो। अच्छा मोबाइल नहीं है आपके पास, 31 इंटू 3.14, 31 इंटू 3.14 97.9 बाप रे बहुत दूर जाएगा। ये कितना लिया था आपने डिस्टेंस, 126 सर्कम्फेरेंस। अच्छा ये बना ली बजेगा क्या, अभी बहुत टाइम है। हाँ ले ले दिक्कत नहीं, ई पॉइंट नहीं। अब ये जो 126 मिला ना, सपोज मैं उस पॉइंट को नाम देता हूं पी, तो 3 से पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 26। इसको इक्वल 12 भाग में डिवाइड करना है। कौन सा मेथड, एक्सरसाइज नंबर 5, डिवाइड ए गिवन लाइन इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। यस, कोई भी न्यून कोण लीजिए, यार क्या हो गया इसको, फिर चाप में अंतर लो, एंड देन एनी अक्यूट एंगल 20, 25, 30 12 चाप मार दो, हाँ कोई भी डिस्टेंस ले सकते 12 चाप। एक दो तीन, हाँ चार पांच, हाँ हाँ छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, अपने से हाँ शीट के हिसाब से आप जितना चाहे लेना चाहे लीजिए, जनरली हम 30 डिग्री लेते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 12 को पी से जोड़ेंगे, और उसके समानांतर रेखाएं किस से जाएं, 126, पी से पी 126, अब समानांतर रेखाएं खींचेंगे, ये ज्यादा अच्छा जाएगा।
बाबा हाँ? हर पॉइंट से जैसे मैं यहाँ एक से लंब डालूं, कैसे डालेंगे? यहाँ पर 90 डिग्री रखें, सेट स्क्वायर रखो, या फिर डायरेक्ट 90 डिग्री यहाँ से ले लीजिए, कैसे भी मर्जी आपकी। ये एक रेखा हो गई, फिर ये एक रेखा हो गई, ये तीन तो परपेंडिकुलर आएगा ऑटोमेटिक, है ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रेखा है, अक्ष है, ये तीन, ये चार, ये पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, चक्र बन रहा है ना दिवाली का। हाँ जी, पूरा थिन, पूरा कंस्ट्रक्शन थिन, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इन्वोल्यूट है, अभी तक हम इन्वोल्यूट तक पहुंचे नहीं है, इसलिए अब तक जो भी कंस्ट्रक्शन होगा पूरा थिन। हाँ बोलो, क्या हो गया? लंब कैसे ये दो तरीके हैं, सपोज आपको ये इस पे डालना है ना, तो यहाँ रखेंगे हम, ये केंद्र ये होगा, ये रेखा ये रेखा होगी, डालना है?
अब देखिए डिस्टेंस लिखा है, ये पी है, पी से 11 पहला डिस्टेंस होगा, सेंटर होगा 1, ये पॉइंट 1। दूसरा डिस्टेंस पी से 10, सेंटर होगा 2, 3, ऐसे डिस्टेंस बदलता जाएगा और सेंटर भी बदलता जाएगा। हाँ, इस पे वो जो आर्क है ना उसका रिलेवेंट आर्क पे एक्सटेंशन लाइन पे चार्ट मारेंगे। पता नहीं आएगा नहीं है, पी 11। हाँ जी, हाँ हाँ, पी तो पी से मिलेगा ना, खुलेगा तो पी बनेगा, मिलेगा तो पी बनेगा सर्कल पे। नहीं जा रहा है, तो मैं लेंथ लेके मार देता हूँ। वहां से तो होगा ना, इसके लिए तो मैं डिस्टेंस लूंगा पी से 11, पी से 11 या हो रहा है मुझे 91। मैं यहाँ से चाप मारूंगा 1 से 91 का, यहाँ चाप मारूंगा। और नाम दूंगा P1, फिर P से 10 का वैल्यू लेते हैं, P से 10 का वैल्यू दो पे रख करके 85। फिर पी से 9 अब आएगा शायद, है ना, 76 77, 3। बाबा
अब आएगा शायद कंपास में डिस्टेंस आएगा, नेक्स्ट क्या हो गया बताओ, वो बोलते जाओ, कभी कभी गलती होता है। पी से एट ना, नहीं समझ में आया, डिस्टेंस यार ये एक एक डिस्टेंस लेते जा रहा हूं। पी से 11 लिया, सेंटर हो गया 1 2 3 ऐसे ही जाएंगे। अब क्या रहा, पी से 8, सेंटर होगा 4, पी से 8 ले रहा है, आगा 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 आगा, पी से 8 ये हो गया 4, इधर मार बारी गया था। समझ में आया नहीं आया, आ गया तो बोलते जाओ मेरे साथ। अभी क्या हो गया, पी पी 4 मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, 4 सेंटर हो गया ना, 5 वाला पी 7 बोलते जाइए, पी 7 डिस्टेंस हो गया। चाप कहाँ से होगा, 5 से यहाँ रख दिया, यस ये चाप आ, और पी 6 सेंटर 6, फिर पी बोलिए पी 5 सेंटर 7 आएगा नहीं आएगा, आ गया आ गया, नेक्स्ट पी सेंटर 3 2 P1 10 P11 P12 नहीं होगा, वही P होगा, P जाके P से मिलेगा, मैंने लिख दिया था यहाँ पर, मिल गया पूरा, P जाके P से मिलेगा। अच्छा इसमें आप थोड़ा मैनेज करके अगर कंटिन्यू चाप चला सकते तो चाप से कंप्लीट मिलेगा ये, अगर आप चाप सपोर्ट कर रहा है या नहीं करता, मुझे यहाँ तक नहीं जाएगा ना मेरा चाप, होता है 11 नहीं, पी से आना चाहिए, P
पी जाके पी वन टू थ्री फोर फाइव नाइन टेन इलेवन, फिर जाके पी को मिलेगा। चाप मिलता है, चाप से ही मिलेगा, या फिर प्री एंड कर लीजिए। हाँ, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, दूसरा बना लिए, गुड। चलो नहीं आगे बढ़िए, तब पेन थ्री के पास कहीं कट रहा है वो। इसको मैं क्या मिला, कोई नाम नहीं, ठीक है डी नाम दे देता हूँ। डी पॉइंट सी डी को जोड़ लीजिए, ग्रुप लेना नॉट पॉसिबल, చాలా పెద్దగా అవుతుంది, 4 MB, 4 GB, 5 GB అవుతుంది। ఆహా గ్రూప్ లో వాట్సాప్ లో రాదు కదా, అది ఏదో నియర్ బై షేర్ ఏమో చేస్తారా, దాంట్లో వస్తుంది వీడియో వాట్సాప్ మీద అవుతానా। सीडी नहीं होगा, हाँ यूट्यूब पे डाल रहे हो, ठीक है सीडी जोड़ दी। हाँ हाँ वही, हाँ हाँ 100 का चाप है, नहीं तो मैं भी नाचने लग जाता था। सी से डी 100 ले लिया, इनवोल्यूट को हमने काटा है, 100 का चाप लेकर के काटा है, वो पी3 के पास सामने मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो गलत, आपका इनवोल्यूट गलत हो गया। सवाल में दिया है, क्या कपड़े फाड़ लो यार, सवाल पढ़े ना भी तो। अगर वीरेन भाई सवाल पढ़ रहे थे ना, 100 मिलीमीटर दूरी पे इनवोल्यूट से क्या करना है, नॉर्मल ड्रा करना है। हाँ जी जबरदस्ती मिला लेंगे, P3 पॉइंट है वहां से लगभग 10-12 मिलीमीटर पर ये मिलेगा डी, थोड़ा दूरी पर। कितना मिल रहा, 20? है ना, तो ये यहाँ पर मिलता है। इस पॉइंट से हमें क्या करना है, नॉर्मल और टेंजेंट निकालना। आगे बढ़े, अब जो सी डी है उसका केंद्र निकालेंगे, बहुत मुश्किल काम है ना। 50 है सी डी, यहां पर मुझे मिल रहा है 80, तो मैं लूंगा 40। इसको
इसको नाम दूंगा ई। आधा निकाला यार, बहुत मुश्किल काम नहीं है, मैं जानबूझ के ऐसे ही बोला मजाक में। उसका सेंटर लेना है, 100 का सेंटर क्या होगा 50। उसको नाम दिया ई। हाँ नहीं ऐसे नहीं कटेगा तो वही पीत्री के बाद ही कटेगा, वो भी बार में। हाँ नहीं आएगा तो दोबारा बनाएंगे उसमें। ठीक, अब क्या करेंगे, ईडी अंतर लेंगे यानी 50 है ना। ईडी अंतर कंपास में लेकर के डी से जो बेस सर्कल है उस पर चाप मारें। डी सेंटर ले, ई सेंटर ले, फिफ्टी मिनट। हाँ इकन जी ई नु जी सेंटर ई। क्या हो रहा है, कट गया? किस किस का कटा? तीन के नीचे कटेगा। हाँ बोलिए। ये वाला फिर कैसे कटाएंगे? ये 126 लिया आपने, गुड। अब क्या करेंगे, पी है ये पॉइंट, पी से 11 लो। नहीं आएगा, नहीं आएगा, आता है? हाँ पीछे 11 लो, गुड। अब एक पर रखो, ये लिखा है ना आपने, पीछे 11 लिया, एक पर रखो, चाप मारो, गुड। क्या चाप हो गया, वो P1 चाप हो गया, P1। अब पीछे 10 लो, हाँ पीछे थोड़ा कम करो, अब 2 से सेंटर लो, एक यहाँ पे चाप, ये हो गया P1 P2। अब क्या करेंगे, P9 5 मिलीमीटर पे आएगा, 5-4 कम हो गया तो ज़्यादा हो चलेगा, 5-6 चलेगा, 3 से नीचे 5 मिलीमीटर पे जुड़ेगा वो। 4 आया, जबरदस्ती लाया जाएगा, लाया जाएगा। अब ये जो पॉइंट मिला है उसको डी से जोड़ेंगे, डी उसमें मैच हो गया। हाँ तो क्या मिला ये रेड कलर, सोच के बोलो। इधर डार्क, यस डार्क, बिकॉज दैट इज नॉर्मल नॉट टेंजेंट। अभी हम टेंजेंट या उल्टा हो रहा है,
हमने अब तक टेंजेंट ड्रा करके नॉर्मल ड्रा किया था, अभी पहला नॉर्मल ड्रा होता है बाद में टेंजेंट आता है। इसको 90 डिग्री क्या हो गया? फिर भगवान क्या बोला है? अगर बोल रहा है क्या हो गया? क्या हो गया? इसे दो लाइन है, एक ये एक ये। वो कौन से हैं? ये सीडी है। सीडी का आधा लिया, आधा लिया, वो सब चाप मार दिए, हो गया, मिला भी दिया मैंने। अब किसको मिलाना है? 90 जो बनाना है, 90 यहाँ पे, 90। ये अलग है, ये अलग लाइन है, ये डी और जो वो पॉइंट लेना चाहिए। हाँ, जहाँ पे थ्री के नीचे टच हो रहा था ये, हम इसको नाम देंगे डी आर। ये पॉइंट, ये डी आर जो पॉइंट आ रहा है ये नॉर्मल है। ये वाला, हाँ यस, इसको टेंजेंट लिया है 90 डिग्री। ये नॉर्मल है। अच्छा, अंदर कुछ नहीं लिखना है। हाँ, इंडिकेट कर सकते हैं। और ये जो बाहर जो रेड कलर का बड़ा सा हो गया, वो क्या हो गया? इलिप्स है ना। हाँ, आर डी, हाँ सी, नहीं 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 उसको सही नहीं, वो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, उसको टेंजेंट हम नहीं बना रहे हैं। टेंजेंट हम बना रहे हैं कर्व को, इन्वोल्यूट। हाँ, वो टेंजेंट बनेगी, बनेगी।